तो इस काम में उसकी लगभग कितने परसेंट तक की बचत हो जाती है? करीब 40 से 50% तो कौन सा बची जाता है। दोस्तों, कामयाबी की एक सबसे खास बात होती है वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आज हम मिलेंगे ऐसी ही एक शख्सियत से जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी के नए मुकाम को हासिल किया है और उन्होंने फ़ोटो फ्रेम मेकिंग के एरिया में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इनके पास फ़ोटो फ्रेम्स बनाने के अलावा और भी कई तरह के काम होते हैं, जैसे कि फ़ोटोज़ की केमिकल लेमिनेशन हो गई, फ़ोटोज़ की कोल्ड लेमिनेशन हो गई, उसके अलावा एक नई फ़ोटोज़ की थर्मल लेमिनेशन आई है, उसका भी वर्क इनके यहाँ बड़े पैमाने पर होता है। उसके अलावा फ़ोटो फ्रेम्स हर साइज़ के और हर डिज़ाइन के तैयार किए जाते हैं। तो आज हम इनसे मिलकर जानेंगे कि बिजनेस किस तरह से होता है, प्रोडक्शन किस तरह से होता है, सेल्स किस तरह से होती है, उसके अलावा रॉ मटेरियल कहाँ से कैसे परचेज़ किया जाता है, और सबसे एंड में सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस काम को करने से बेनिफिट कितना होता है। तो देर न करते हुए बुलाते हैं मिस्टर सिसपाल जी को। सिसपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं बिजनेस का फुल डिटेल। सिसपाल जी, स्वागत है आपका श्री जी बिजनेस आइडियाज चैनल में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी फर्म काम क्या क्या करती है और उस पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। मेरी जो फर्म हैगी हर रामा फोटो स्टूडियो नाम से है, मेरे 54 गांव नदौली रोड पर एटा पे। अच्छा, मेरा जो मतलब वो है प्रोडक्ट, वो है मतलब सबसे पहला है मेरा मतलब लेमिनेशन का। अच्छा। वो लेमिनेशन है वो केमिकल से मतलब तैयार होते हैं, लिक्विड केमिकल होते हैं उनसे तैयार होता है। दूसरा मेरा मतलब उसके बाद में आया है। अपने पास यहाँ कोई पीस है जिसको हम दिखा सकें कि ये केमिकल लेमिनेशन होती है? है मेरे पास, ये है मेरे पास। तो भाइयों देखिए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि फोटोज के ऊपर एक स्पेशल केमिकल डाला जाता है, इसमें किसी भी तरह के मॉइस्चर आने के कोई चांसेस नहीं रहते। पीछे की तरफ बोर्ड लगा रहता है, साइड से इसकी बाउंड्री वगैरह बनी होती है। इस तरह की लेमिनेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि एक बार में ये परमानेंट लेमिनेशन हो जाती है। इसमें कई सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि ये केमिकल लेमिनेशन हो गई, एक कोल्ड लेमिनेशन हो गई, उसके अलावा एक नई थर्मल लेमिनेशन और है। उन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, उसके अलावा यहाँ पर इस काम को बल्क में किया भी जाता है। अगर आपके पास इस तरह के बड़े ऑर्डर्स हैं तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से करा सकते हैं। इस फर्म का मैं नाम आपको बताना भूल गया, फर्म का नाम है हर रामा फोटो फ्रेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और यह यूनिट एटा जिले में स्थित है। एटा शायद आपने ना सुना हो, आगरा से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है एटा, और अलीगढ़ से वो लगभग 65 से 70 किलोमीटर बैठता है। यहाँ पर ये काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो सिसपाल जी, कि ये केमिकल लेमिनेशन के अलावा जो फोटो फ्रेम्स तैयार किए जाते हैं वो अपने पास किस किस वैरायटी के तैयार किए जाते हैं? मेरे पास मतलब हर साइज और जो इसकी जो मॉडलिंग होती है जिसे मतलब बीडिंग बोलते हैं, वो नई नई डिजाइनों में मिलेंगे आपको, और हर साइज और हर समय मिलेंगे। ऑर्डर देने पर भी मतलब तैयार किए जाते हैं, और मेरे पास में LED भी फ्रेम बनाए जाते हैं। अच्छा। मैं उन्हें स्वयं बना रहा हूँ। अच्छा, हर साइज मतलब ये साइज कितने से स्टार्ट हो जाते हैं? 4x6, 5x, लगभग कितने से स्टार्ट हो जाता ये है? साइज होता है करीब करीब 4x6 से। 4x6 से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, और मैक्सिमम ये कितने तक जाता मैक्सिमम है? कम से कम आप ये मान के चलो 8 फुट करीब 96 इंच लंबा। अच्छा, लगभग 96 इंच लंबाई तक इसकी लंबाई जाती है। अच्छा, इसमें कई सारी मतलब मोटाई भी तो आती है, जैसे मोटाई आती है 1 इंची की 2 इंची की 5 इंची की, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं। हाँ, कई सारे साइज। हाँ, ये सवा इंची की है। अच्छा, ये सवा इंची है। हाँ, सवा इंची इस तरह की। देखो दोस्तों, एक चीज आपको बता दूं, इसकी जो ये चौड़ाई होती है ये फ्रेम की स्ट्रेंथ और इसके रेट को भी डिपेंड करती है। ये जैसे सवा इंची है, इससे एक पतली आती है वो 1 इंची, इससे बड़ी 1.5 इंची, 2 इंची और 2.5 इंची भी। मतलब जितनी ज़्यादा उसकी फ्रेम की मोटाई होगी, फ्रेम उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसकी जो ये पंचिंग होती है, मेरी बात होती है पंचिंग की, ये वाली जो ये पंचिंग होती है, ये पंचिंग डिपेंड करता है फ्रेम की मजबूती इस पंचिंग पर। फिर पंचिंग के बाद में इसमें मतलब वो डालते हैं हम LP से, इससे मतलब कोनों पर मजबूती आ जाती है और हमारा फ्रेम मतलब सालों सालों तक ये ख़राब नहीं होता है। दोस्तों एक चीज़ और आप खास ध्यान रखे चलिए, जो मार्केट में फ़ोटो फ्रेम्स मिल रहे हैं, चाइनीज़ फ़ोटो फ्रेम्स मिल रहे हैं, वो आपको कुछ दिन के लिए दूर से तो देखने में अच्छे लग सकते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो चीज़ बनती है, जो मिलती है, वो जेन्युइन चीज़ है, उसमें स्ट्रेंथ का और क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जैसा कि भाई साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पर जो उसको स्टेपल किया जाता है, जो पंचिंग की जाती है, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी से की जाती है। उसके अलावा इन जॉइंट्स पर फास्ट ग्लू का भी यूज़ किया जाता है, जिसको कि आम भाषा में LP या फेविक्विक कहा जाता है, जिसकी वजह से फ्रेम में किसी भी तरह का ढीलापन नहीं रहता और फ्रेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे पहले के ज़माने में ये लकड़ी के फ्रेम बना करते थे जो बहुत महंगे पड़ते थे, अभी ये जो फ्रेम आ रहे हैं ये किस चीज़ के बने हुए? ये फाइबर है, फाइबर। अच्छा, ये फाइबर के बने हुए हैं, तो इनमें घुनने का, गलने का पानी से सिर्फ आग से बचाना, इससे और नमी और गर्मी से कोई मतलब नहीं। तो दोस्तों, इस फ्रेम की अच्छी बात ये भी है कि भविष्य में ये आपके ना घुनेंगे, ना जैसे कि आपने देखा होगा लकड़ी के फ्रेम टेढ़े पड़ जाते थे, फोटोज खराब हो जाते थे, वैसी भी इनके साथ कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा इसमें कुछ ग्लासेस भी यूज होते होंगे, वो कौन सा ग्लास यूज किया जाता इसमें है? इसमें जो ग्लास होता है वो यूज होता है छोटे फ्रेमों में, होता है वो 2 mm का। इससे जो बड़े फ्रेम होते हैं उनमें होता है 3 mm का। जितना आप मतलब बड़ा फ्रेम करते जाओगे उसी हिसाब से ग्लास की मतलब जो मोटाई है का वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा एक है ये मतलब PVC, ये PVC का फ्रेम है। इसमें मैं ग्लास की जगह पर ये मतलब PVC सीट पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें कोई टूटने का कोई टेंशन नहीं? टूटने का कोई टेंशन नहीं है इसमें। अच्छा जी, ये MDF बोर्ड होता है, इसके पीछे MDF बोर्ड यूज होता है, MDF बोर्ड होता है ये, और जो बोर्ड होता है 2 mm का। अच्छा, छोटे फ्रेम में 2 mm का, फिर उसके बाद में जितना बड़ा होगा उस हिसाब से फिर मतलब मोटाई में। अच्छा जी, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मार्केट में जो फ्रेम्स मिल रहे हैं और आपके पास जो फ्रेम तैयार किए जा रहे हैं, उनमें अंतर क्या है? बहुत अंतर है उनमें। अंतर क्या है उनमें? अंतर यह है कि वो आपको देखने में तो सुपर लगेंगे, लेकिन उनमें मजबूती नहीं होगी। जो मतलब मैं कर रहा हूँ ये अपने मतलब स्वयं ही, मेरे यहाँ मजबूती भी मिलेगी आपको और सुपर भी मिलेंगे, मेरे यहाँ दोनों चीज। तो भाइयों, ये चीज़ आपने सुनी, यहाँ पर आपको जो चीज़ मिलने वाली है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। PVC वो अच्छी क्वालिटी की यूज़ होती है, स्टेपल अच्छी क्वालिटी से किया जाता है, जो MDF बोर्ड यूज़ होता है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है, अगर आप ग्लास में लेते हैं तो ग्लास भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ होता है। उसके अलावा आपने देखा होगा एक चीज़ और नई ट्रेंड में आ रही है, वो आ रहे हैं LED फ्रेम्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिर ये LED फ्रेम होता क्या है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे इस तरफ ये लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इसमें पीछे से LED लाइट्स जलती हैं, जिससे कि जो भी फोटो है ना उस पर एक स्पेशल ग्लो निकल के आता है। इस तरह के भी फ्रेम्स इनके यहाँ तैयार किए जाते हैं और सप्लाई किए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और वैरायटी आती है इन फ्रेम्स में? इनमें आती है जैसे माउंट के फ्रेम है, माउंट फ्रेम में आपको दिखा रहा हूँ, ये है माउंट फ्रेम। अच्छा अच्छा जी, इसमें 1 इंची का ये माउंट लगा हुआ है जो ये लाल दिखाई दे रहा है ये, और उसके बाद में ये फ्रेम है फाइबर सीट उसका, और फिर इसके ऊपर ये मतलब इतनी एरिया में ये लगेगा फोटो। अच्छा जी जी, तो सुषपाल जी, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आउट ऑफ एटा है, इंडिया के किसी भी कोने में है और उसको इस तरह के फ्रेम्स चाहिए, तो वो आपसे किस तरह इनको ऑर्डर कर सकता है? ऑर्डर वो करें, मेरा मतलब जो मोबाइल नंबर है मैं मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, और ऑर्डर करने पर यह है कि उनका जो मतलब ट्रांसपोर्ट जो खर्चा है वो पार्टी का होगा। अच्छा अच्छा, हाँ। अच्छा, मिनिमम कुछ ऑर्डर की क्वांटिटी होती होगी कि उतने से कम ऑर्डर ना किया जाए? क्वांटिटी है कि कम से कम 500 फ्रेम का तो होना ही चाहिए। तो भाइयों, अगर आप कहीं बाहर से इन फ्रेम्स को ऑर्डर कर रहे हैं तो कम से कम क्वांटिटी 500 तो रखिए ही रखिए। और मैं तो कहता हूँ जब आप काम इतने बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो आपको तो काफ़ी रेंज लेके चलनी पड़ेगी, छोटे से लेके बड़े साइज की। इसमें कुछ आपके सिंपल फ्रेम हो सकते हैं, कुछ माउंट वाले फ्रेम हो सकते हैं, कुछ LED फ्रेम हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोलार्ज फ्रेम भी तैयार किए जाते हैं। जब आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, जब आप इनसे बात करेंगे, उस समय ये आपके व्हाट्सएप पे जो भी रेंज अवेलेबल है वो आपको ये यहाँ से व्हाट्सएप कर देंगे। आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की क्वालिटी के इतने सारे पीसेस चाहिए। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कोलाज फ्रेम है, इसमें कई सारी डिज़ाइंस आती हैं, कई सारे साइजेस आते हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भाई जी बता रहे हैं, आप इन प्रोडक्ट को परचेस करके, इन फ्रेम्स को परचेस करके आगे मार्केट में सेल कर सकते हैं। इन फ्रेम्स की डिमांड आजकल गिफ्ट शॉप पर ज़बरदस्त है। उसके अलावा जो फोटो स्टूडियो वाले लोग होते हैं वो भी इन फ्रेम्स को पहले से लेके रखते हैं, ताकि उनके पास अगर कोई ऑर्डर आता है तो उसको वो तुरंत दे सकें। इसके साथ साथ एक नया ट्रेंड और मार्केट में आया है, वो आया है ऑनलाइन सेलर का।
अगर आप ऑनलाइन सेलर बनते हैं और इनके थ्रू आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप किसी भी ई कॉमर्स साइट जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, इन पर अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं और बहुत अच्छी बचत ले सकते हैं। दोस्तों, इसका एक फील्ड और हो सकता है, अगर आप खुद की शॉप स्टार्ट करके फ़ोटोज़ को सेल करना शुरू कर दें, वहाँ पर आप कई तरह के फ़ोटोज़ को सेल कर सकते हैं। सभी रेंज आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी, उसमें आप सादा फ़ोटो फ्रेम्स को सेल कर सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा कुछ रिलीजियस फ़ोटोज़ भी होते हैं जैसे कि भगवान के हो गए, उसके अलावा कुछ नेचर से रिलेटेड सीनरीज होती हैं, कुछ आर्ट्स होती हैं जिनको के फ़ोटो फ्रेम्स में लगाया जाता है, उसके अलावा भी और कई तरह की वैरायटी डिज़ाइन है, वो सब आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। उनको आप परचेज़ करने के बाद अपनी खुद की शॉप से भी मार्केट में आसानी से अच्छे रेट पर सेल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि हमारी बहुत सारे ऑडियंस में ऐसे भाई लोग हैं जो कि नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए वो इंडिया के किसी कोने में हैं और वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और ट्रेनिंग सिर्फ फ्रेम की ही नहीं, उसके अलावा लेमिनेशन, कोल्ड लेमिनेशन, तो वो आपसे किस तरह संपर्क कर सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? जो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है तो उससे मुझसे संपर्क करें। और ट्रेनिंग वाली बात है कि तो ट्रेनिंग हम मतलब करीब करीब एक महीना में मतलब पूरा हमारी ये मतलब सिखा भी देते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग के तौर पर हम एक महीना में LED फ्रेम, लेमिनेशन, कोल्ड लेमिनेशन, ये सारे मतलब फ्रेम काफ़ी काम ये एक महीना में सिखा भी देते हैं। अच्छा भाई साहब, का मैं कॉन्टैक्ट नंबर और इनके जो भी डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं कि कब कब ट्रेनिंग के बैचेस चल रहे हैं, उस समय आप कॉन्टैक्ट करके प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और उसके अलावा आप पूरे फोटो फ्रेम्स को बनाना और लेमिनेशन से रिलेटेड सारी बारीकियों को सीख सकते हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस काम को करने के लिए कौन कौन सी मशीन्स का यूज़ होता है और वो लगभग किस प्राइस रेंज में आ जाती हैं? एक तो ये मोल्डिंग काटने वाली होती है, ठीक, और एक होती है जोड़ने वाली। दो तो ये मेन है ही, के बाद में एक आता है सीसा कटर। हाँ, ग्लास कटर लेना होगा। हाँ, और एक बोर्ड कटर भी लेना पड़ता है। अच्छा, जिससे MDF बोर्ड को काटा जी, जाता जी, है जी। एक आती है वो कंप्रेसर मशीन। कंप्रेसर मशीन का जो काम होता है वो होता है पेचों को कसना। अच्छा, इसके पीछे जो मतलब ये हुक वगैरह ये लगी होती है, ये लगी होती है, तो इसे कसने की। अच्छा, तो इन 4-5 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है लगभग। अगर कोई व्यक्ति नए स्तर पर इस काम को शुरू करना चाह रहा है, बिल्कुल छोटे पैमाने पर स्टार्ट करना चाह रहा है, तो लगभग अंदाजे से कितना तक बजट उसका इन्वेस्ट हो जाएगा? इसका इन्वेस्ट अगर जैसे शुरू में और छोटे पैमाने से भी अगर करना चाह रहे हैं तो कम से कम 4 लाख से 5 लाख तक। तो इसमें जो भी खर्चा रहेगा वो समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि ना किसी मशीन के रेट फिक्स रहते हैं, ना किसी रॉ मटेरियल के फिक्स रहते हैं। आप जब भी संपर्क करें तो इनसे कांटेक्ट करने के बाद आप पता कर सकते हैं कि करंट टाइम पे ये टोटल मशीन्स का खर्चा क्या आएगा, उसके अलावा रॉ मटेरियल का खर्चा क्या आएगा और ट्रेनिंग के भी चार्जेस क्या रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि बहुत सारी जगह हमने देखा है, खास करके जो भी बहुत ज़्यादा बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर वो मशीन तो सेल कर देते हैं, कुछ रॉ मटेरियल भी सेल कर देते हैं, लेकिन बाद में वो अपने कस्टमर की कोई हेल्प नहीं करके चलते, तो अपने यहाँ उसका क्या प्रोसीजर है? जैसे कोई आपसे मशीन ले गया, उसका रॉ मटेरियल परचेज करके ले गया, और फिर बाद में अगर उसको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, मशीन में प्रॉब्लम है या कुछ और भी उसको प्रॉब्लम है, तो उसको आप सॉल्यूशन किस तरह करा के चलते हैं? सॉल्यूशन मेरा ये है कि जैसे किसी तरह मतलब किसी तरीका से ऐसी कभी कोई दिक्कत आती है तो मेरा मतलब कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा ही, तो उस पर मुझसे संपर्क करें फ़ोन द्वारा और मुझे बताएं अपनी समस्या कि मेरी समस्या ये है, मशीन की समस्या ये है, रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है, तो मतलब रॉ मटेरियल मेरी ये समस्या आएगी। तो मतलब किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या होती है तो किसी भी समय और किसी भी दिन वो मुझसे संपर्क कर लें और मैं मतलब उन्हें मतलब हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ हर समय। अच्छा, अरे इस काम को जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है तो मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट हो जाती है काम को करने के लिए? काम को करने के लिए करीब करीब 4-5 लोग तो कौन सा होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। तो आपने देखा इसमें ये कितनी अच्छी बात है कि लगभग एक साथ 4 से 5 लोगों को रोजगार भी मिलता है। हमें कुछ आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग बता के चलिए कि किस तरह प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, किस तरह उस पर काम होता है, किस तरह वो बनाया जाता है। ठीक है, ज़रूर हम आपको मतलब चलते हैं, हम प्रोडक्शन यूनिट की तरफ चलते हैं और डिटेल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस फ्रेम को लगा दिया गया है, ये 1.25 इंची मोटाई का फ्रेम है और इसको इस मशीन में फिट कर दिया गया है। ये मैनुअली ऑपरेटेड मशीन है
और इसकी अब कटिंग की जा रही है। अच्छा, इस मशीन में लगभग कितनी मोटाई तक के फ्रेम्स की कटिंग हो जाती है? 2.5 इंची 3 इंची 4 इंची फ्रेम तक अगर मोटा है वो इसमें कटिंग हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी, जैसे ये कटिंग होने के बाद बिल्कुल शार्प हो जाते हैं, बिल्कुल इनकी 45 डिग्री पर कटिंग होती है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि इसमें फ्रेम्स को लगा दिया गया है, उसके बाद इसको स्टेपल किया जा रहा है। आपको किसी भी मशीन को चलाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से आप मैनुअली ऑपरेटेड मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। इस मशीन में स्टेपल नीचे की तरफ से आते हैं और ये बहुत आसानी से बहुत हार्ड तरीके से इन फ्रेम्स को स्टेपल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं ग्लास की कटिंग को देखने के लिए। सबसे पहले मार्किंग की जाती है ग्लास पर कि हमारे फ्रेम में बिल्कुल फिट आए, और ये 2 mm का ग्लास है। अच्छा, इसमें जो MDF बोर्ड है उसको रोकने के लिए जो आपने देखा होगा साइड से क्लिप्स लगी रहती हैं, उन क्लिप को लगाया जाएगा। तो भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अभी इसमें एक दो काम और रह गए हैं, जैसे कि यहाँ पर LP पढ़ना, और उसके अलावा ये कंप्लीट है। अगर आप इसको माउंट वाला बनवाना चाह रहे हैं तो आप इसमें अंदर माउंट भी अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ फर्म पर आते हैं तो आपको शिषपाल जी के अलावा मिस्टर देवराज भी मिल सकते हैं, जो आपको बिजनेस की ट्रेनिंग देने में पूरी हेल्प करेंगे। इनको इस बिजनेस से रिलेटेड सारी बारीकियों का पता है, पूरी बिजनेस की नॉलेज है। ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। अच्छा, इसमें जैसा कि हमने अब तक बातचीत की तो उसमें दो चीज़ें निकल कर आईं कि पहली चीज़ तो कि कोई व्यक्ति खुद की शॉप कर रहा है या फिर वो ऑनलाइन सेलर है, वो आपसे प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो उस कंडीशन में फिर उसको जो वो आगे सेल करेगा कितने परसेंट तक की बचत आसानी से ले सकता है? कम से कम आप ये समझ लो 25-30% तो उसे मतलब आराम से मिल जाएगा। तो देखिए भाई, अगर आप यहाँ से पूरा बना हुआ अगर प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं तब भी आप उसको आगे सेल करते हैं तो 25-30% तक की बचत आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा आप एक बार खुद जाके चेक करेंगे किसी भी ऑनलाइन साइट पर, वहाँ पर तो फोटो फ्रेम्स बहुत ज़्यादा महंगे रेट पर बिकते हैं। वहाँ पर अगर आप सेल करते हैं तो आपकी बचत और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरी कंडीशन निकल के आती है, जो व्यक्ति आपसे मशीन परचेस करके चल रहा है और रॉ मटेरियल परचेस करके चल रहा है, तो मान लीजिए मशीन में तो उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो ही गया, हो गया। उसके अलावा जब वो रॉ मटेरियल खरीद के चल रहा है और उसको प्रोडक्ट को बनाता है, खुद से सेल करता है, तो इस काम में उसकी लगभग कितने परसेंट तक की बचत हो जाती है रॉ मटेरियल पर? ये तो जो है कि बचत वाली बात तो ये है कि ये तो बिजनेस है अपना, ये तो अप डाउन रहता ही है, कभी रेट डाउन है गए, कभी मतलब बढ़ गए, तो फिर भी आप कम से कम आप ये मान के चलो कि करीब 40-50% तो कम से कम बची जाता है। भाइयों, आप देख रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू अगर आप खुद से करके चलते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेके चलते हैं, एक चीज़ होती है आपने डायरेक्ट लिया, कहीं से भी मशीन परचेज की, कहीं से भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, आपने काम स्टार्ट कर दिया, वहाँ पर बिजनेस के फेल होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब आप प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें सीख कर चलते हैं तो वहाँ पर आपके फेल होने के कोई चांसेस नहीं रहते। इसके लिए आप यहाँ से अगर परचेज करते हैं तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके अलावा जो बिजनेस की बारीकियाँ होती हैं जैसे कि केमिकल लेमिनेशन, कोई नहीं बताता केमिकल लेमिनेशन कैसे की जाती है, थर्मल लेमिनेशन किस तरह की जाती है, कोल्ड लेमिनेशन किस तरह की जाती है, वो सारी बारीकियां आपको यहां से ट्रेनिंग में सीखने को मिलेंगी। और जब आप यहां से प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो 40-50% तक की बचत आप बहुत आसानी से ले पाएंगे। दोस्तों, आप जिस भी तरीके से इस बिजनेस को करते हैं आपको सेल बहुत आसानी से मिल जाएगी। जो फोटोग्राफर्स होते हैं वहाँ से आपको अपनी सेल आसानी से मिल सकती है, उसके अलावा जो गिफ्ट शॉप्स होती हैं वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मॉल्स में सेल कर सकते हैं, उसके अलावा आप खुद का रिटेल स्टोर स्टार्ट करके वहाँ से सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो आप वहाँ से भी ऑनलाइन इनको आसानी से सेल कर सकते हैं, और इस बिजनेस को करके आप बहुत अच्छी बचत ले पाएंगे। तो भाई साहब की फर्म का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। शिषपाल जी, अपने बिजनेस की पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले नए बिजनेस वीडियो में।
तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।